जब ऐसा माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ना आसान नहीं है, उसी वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार चाणक्य बनकर सामने आए और सियासी पिच पर सदी हुई पारी खेलकर महाराष्ट्र की हारी बाजी को अपने पक्ष में मोड़ दी। ऐसा करके पवार ने ये साबित कर दिया कि सूबे की सियासत के असली चाणक्य वे ही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे बदला महाराष्ट्र का सियासी समीकरण। शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी की तैयारी चल रही थी कि उसी समय महाराष्ट्र की राजनीति ने तेजी से करवटें बदली और पूरा माहौल ही बदल गया। शनिवार 23 नवंबर की सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की, लेकिन यह सरकार महज 80 घंटे तक ही सांसें ले सकी। हुआ यूं कि 22 नवंबर को खबर आई कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने पर सहमति बन गई है। उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, लेकिन सुबह होते होते खेल खत्म हो चुका था। सुबह लोगों की नींद खुली भी नहीं थी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। रातों रात लिए गए राज्यपाल के इस फैसले पर मुंबई से लेकर दिल्ली तक में हड़कंप मच गया। राज्यपाल पर भेदभाव पूर्ण तरीके से बीजेपी के पक्ष में फैसला करने के आरोप लगने लगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने इस तरह आनन-फानन में फैसला लिया हो। एक पक्ष सरकार बनाने के लिए तैयार बैठा रहा, लेकिन राज्यपाल ने दूसरे ओर तुलनात्मक रूप से कमजोर लग रहे पक्ष को सरकार बनाने का मौका दे दिया और शपथ दिलवा दी। लेकिन बीजेपी को झटका उस वक्त लगा जब रातों रात भाजपा को समर्थन देने वाली एनसीपी नेता अजित पवार ने निजी कारणों से इस्तीफा देकर भाजपा को तगड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद लाचार फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया कि अब उनके पास बहुमत नहीं रह गया है और अपनी लाश बचाते हुए उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही। इसके साथ ही फडणवीस की 80 घंटे पुरानी सरकार गिर गई और शिवसेना का हिंदुत्व सोनिया गांधी के चरणों में नतमस्तक हो गया। इसी के साथ अब बारी आई शिवसेना के जश्न की। फडणवीस के इस्तीफे के तत्काल बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए सक्रिय हो गया। देर शाम बैठक में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को गठबंधन का नेता चुना गया। तीनों दलों के नेताओं ने राजभवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। बैठक में तय हुआ कि ठाकरे 28 नवंबर की शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे। राज्यपाल ने इस पर सहमति देते हुए ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए 3 दिसंबर तक का समय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।